नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपका अपना 9 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज़ चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद से। वृद्धजन दिवस पर फिरोजाबाद तहसील में वृद्ध मतदाताओं का सम्मान कार्यक्रम। बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ फिरोजाबाद उपजिलाधिकारी मनोज कुमार ने किया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को अवसर पर 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों का सम्मान कार्यक्रम तहसील में प्रातः 11 बजे से आयोजित किया गया। वृद्धजन दिवस पर 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों की आवश्यकताओं जैसे कि छड़ी, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर आदि का आकलन भी किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया में 80 वर्ष की आयु से अधिक वृद्धजन मतदाताओं के निरंतर योगदान और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन के दिवस के अवसर पर आज 1 अक्टूबर को ये सम्मान किया गया। उपजिलाधिकारी सदर ने कहा कि देश में प्रथम आम चुनाव से अब तक निरंतर मतदान कर लोकतंत्र को सजग कर रहे वयोवृद्ध मतदाताओं का भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर फिरोजाबाद तहसील में सम्मान किया गया है और इस कार्यक्रम में 80 वर्ष से अधिक वृद्धजनों का सम्मान किया गया। ईएलसी के सहायक नोडल अधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि वृद्धजनों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को मतदान केंद्र पर कतार में नहीं खड़ा होना पड़ता। मतदान केंद्र में बैठने की व्यवस्था, बुजुर्ग मतदाताओं को अपने साथ एक व्यक्ति को ले जाने की सुविधा, रेलिंग, रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था, घर से मतदान केंद्र तक लाने ले जाने की सुविधा के बारे में बताया। स्वीप की ब्रांड एम्बेसडर कल्पना राजौरिया ने उपस्थित सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए अपने परिवार के पुत्र, पुत्रवधु और बेटी आदि सभी सदस्यों को प्रेरित करें। भारत निर्वाचन आयोग ने युवा मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए 4 तिथियां भी निर्धारित कर दी हैं। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे नागरिक अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज विभिन्न स्थानों पर जहां वृद्धजन सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, वहीं हमारी समस्त तहसीलों में ये जो वृद्धजन हैं और 80 से ऊपर के मतदाता हैं, इनके लिए भी विशेष शिविर आयोजित किए गए जिसमें इनका सम्मान किया गया। साथ ही साथ इनको निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, ये सब की जानकारी दी गई। आज फिरोजाबाद सदर तहसील में श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय मनोज कुमार जी के निर्देशन में यहाँ भी एक आयोजन हुआ, जिसमें आपने देखा कि बहुत सारे वृद्धजन और दिव्यांगजन यहाँ आए थे और उनका सम्मान किया गया। साथ ही उनको यह जानकारियाँ भी दी गई कि यदि कोई असमर्थता के चलते आप स्वयं घर से निकल करके अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड से लिंक नहीं करा पा रहे या आप मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे या मतदान केंद्र पहुंच करके आपको असुविधा हो रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको निर्वाचन आयोग की तरफ से कई सुविधाएं दी गई हैं। जैसे कि बीएलओ आपके घर पे स्वयं आकर के आपका आधार कार्ड से वोटर कार्ड लिंक करेंगे। यदि वोटर कार्ड किसी भी कारण नहीं बना है तो भी वे घर आकर के आपका वोटर कार्ड बनाएंगे। साथ ही आपको निर्वाचन इलेक्शन के दिन यदि मतदान केंद्र तक जाने में दिक्कत है तो आपको आने जाने का साधन भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हील चेयर उपलब्ध रहेगी। तो इस प्रकार की जानकारियां आज हमारी पूरी टीम ने यहां पे दी है और स्वीप की ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो इस इन सुविधाओं का। तो हमने प्रयास किया है, हमारी पूरी टीम ने आज प्रयास किया है कि हम इन सबको जानकारी दे पाएँ। कहाँ हो तुम? तुमने अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा है। जल्दी करो। सॉरी यार, लेट हो गया। क्योंकि 5 बजे की अपॉइंटमेंट है, फिर से लेट हो गए। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है। इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर।
ओम माँ आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। 24/7 आपकी सुविधा हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954-000174 पर। देखा, मैंने कहा था।